सर थोड़ा सा इधर देखा जाए। देखिए माँ जगदम्बा स्थान और इंद्रमनेश्वर महादेव सिंगरी ऋषि ये तमाम जगह पर्यटन स्थल के रूप में घोषित होगा जिस दिन भाजपा की अपनी सरकार बनेगी। हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन इस सरकार की उदासीनता, आज हम लोगों ने आईटीआई बरहिया को दिया लेकिन सरकार का इस क्षेत्र की उपेक्षा के कारण आईटीआई को भी रोका गया है। लेकिन बता देते हैं कि बरहिया लखीसराय क्षेत्र को उपेक्षित नहीं कर सकता क्योंकि माता पिता दोनों यहाँ विराजते हैं और ये धरती फिर से श्री बाबू का, ये धरती बिहार की अगुवाई में अपना अहम रोल अदा करेगा। न्याय यात्रा के दौरान जो है नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जगदम्बा स्थान को पर्यटक स्थल घोषित करेंगे। नीतीश बाबू बरहिया और अशोक धाम दोनों जगह घोषणा किए लेकिन आज तक नहीं होने दिए। आज वहां पर संग्रहालय भी हम लोग सदन के अंदर उठा के लाए, लखीसराय बाईपास से लेके पर्यटन स्थल के रूप में भी इसके लिए पूरी ताकत से लगे हैं लेकिन अब वो जाने वाले हैं और भाजपा की सरकार आने वाली है। माता की कृपा से बरहिया और अशोक धाम दोनों पर्यटक स्थल के रूप में घोषित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी क्यों डरेगी? डरे हुए भ्रष्टाचारियों की जमात जो अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करता है, वो डरे हुए लोग गलबहियां कर रहे हैं बीजेपी से। देश के ईमानदार चरित्रवान राष्ट्रभक्त नेतृत्व नरेंद्र मोदी के डर से ये लोग गलबहियां कर रहे हैं। 29 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है बीजेपी? पूरी तैयारी है, प्रदेश अध्यक्ष हम लोग उसी को मॉनिटरिंग करने आए हैं। बीजेपी से कौन उम्मीदवार होंगे? उम्मीदवार का यहाँ पर अभी सवाल नहीं है। भाजपा का नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व जिसको निर्णय देता है हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं उनको। हम लोग जीता के गाड़ी जो है रास्ते में खराब हो गई है। देखिए बिहार विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष है, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है लेकिन ये सरकार कैबिनेट मिनिस्टर का जो दूसरे को फैसिलिटी है वो उपलब्ध नहीं कराता है, मुझे चाहिए भी नहीं। एक सरकारी गाड़ी दिया वो भी रास्ते में बंद हो गया, परसों भी खराब हो गया। आज हमने निर्णय लिया है कि ये गाड़ी आपस ले लें, हमको नहीं चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका निभाने में हमेशा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता सरकार की, संवैधानिक संस्थानों का अपमान करना और संविधान के विरुद्ध काम करना इनकी मानसिकता बन गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को संकल्प लेने वाला, आज उन्हीं की सपना को तोड़ने वाले ये भ्रष्टाचारी बेईमान लोग को सत्ता से जब तक नहीं उखाड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।